तो अभी मैं आया था यहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए, और ये जो गैस स्टेशन है ना, ये अपने इंडियंस का ही है। तो यहाँ पे एक भाई है अभी जो सबका पेट्रोल भर रहे हैं। टिप भी दे के जाते हैं? अच्छा, टिप भी दे जाते हैं। तो कितने रुपए घंटे होता है यहाँ पे, जैसे अभी आप काम करते हो? ये सर हमारा ऐसे होता है हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है भैया नेक्स्ट डे ट्रैवलिंग का, और आज है ना बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोग देख रहे हो, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, और सुबह से ये ना बारिश आ रही है। तो मैंने इतनी ज़्यादा आज ड्राइव नहीं की, क्योंकि मैं बारिश में ना ड्राइव ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। तो अभी अभी है ना थोड़ी बारिश कम हुई है। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ सैम्स क्लब में, और वहाँ से मुझे चाहिए डीजल। तो आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अमेरिका के डेलवेयर स्टेट में। तो अमेरिका में ना टोटल 50 स्टेट्स हैं, और जो ये डेलवेयर है, ये अमेरिका का पहला स्टेट है। मैं सैम्स क्लब तो आया हूँ, बट इस सैम्स क्लब के पास है ना डीजल नहीं है, खाली पेट्रोल है। तो ऐसे है ना बहुत सारे सैम्स क्लब हैं जहाँ पे पेट्रोल ही मिलता है, डीजल नहीं मिलता, और कुछ में डीजल भी मिल जाता है। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे पास में मैंने देखा था एक जगह पे बहुत अच्छा प्राइस था। तो अभी मैं आया था यहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए, और ये जो गैस स्टेशन है ना, ये अपने इंडियंस का ही है। तो यहाँ पे एक भाई हैं अभी जो सबका पेट्रोल भर रहे हैं, तो ये भी इंडियन है। तो यहाँ पे डेलवेयर में पैसे दे रहे हैं, पैसे। तो डेलवेयर में खुद पेट्रोल नहीं भर सकते? यहाँ पर है ऑटोमेटिक पंप, ये ओल्ड पंप है, इसलिए ऑटोमेटिक पंप नहीं है। अच्छा, इस वजह से आप भर रहे हो, मतलब जैसे अमेरिका में ज्यादातर जगहों पे तो ऑटोमेटिक है। तभी आप आए ना, तो मैंने सोचा कि शायद मैं खुद भर लूंगा, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे तो सिस्टम ही नहीं है। वो दूसरा नहीं है। अच्छा, और वो वहाँ पे भी बहुत सारे अपने इंडियन भाई हैं उस तरफ में, तो अभी उनसे भी मिलते हैं, बात करते हैं। पंजाब से हैं, कब से चला रहे हैं? ये तो बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने हैं, बहुत टाइम हो गया। तो यहाँ पे ये है कि ऐसे गाड़ियाँ आती रहती हैं, तो भाई थोड़ा सा बिजी हैं, अभी काम कर रहे हैं ना। अभी जैसे ये ट्रक आया है, तो ट्रक में यही भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी गैस स्टेशन है ना डेलवेयर में, तो उन पे तो आप खुद भर सकते हो, बट ये वाला जो बोल रहे हैं कि बहुत पुराना गैस स्टेशन है, तो इसमें भरना पड़ता है। वो कहाँ से हो वीर जी? हमारे होशियारपुर से है। होशियारपुर से कितना टाइम हो गया अमेरिका में? अभी टाइम चार मंथ, फोर मंथ हुए अभी। चार महीने हुए हैं अभी अमेरिका में। कैसा लग रहा है आपको अमेरिका में? अच्छा सर, अच्छा है जी। अच्छा, वो भाई शायद निकलेगा साइड से। अच्छा, गैस है जहाँ पर। तो अमेरिका में सही मजा आ रहा है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा जी। चलो बढ़िया। आपके रिश्तेदार वगैरह रहते हैं यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, भाजी साढ़े इतने। अच्छा, वहाँ काम लग गया इतने। चलो यार बढ़िया है। और आपकी फैमिली यहाँ पे है? हमारी फैमिली इंडिया में। निकाल के आओ ना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं रुका था, इनका जो डीजल का प्राइस है ना वो बहुत अच्छा था, तो $4.19, तो बहुत ही सस्ता है। आपके यहाँ का पेट्रोल का प्राइस सबसे सस्ता है इस रोड पे? तभी मैं यहाँ पे रुका था। पहले मैं गया सैम्स क्लब में, उनके पास डीजल ही नहीं था, मेरे पास सैम्स क्लब की मेंबरशिप है, तो फिर मैं सोचा कि चलो ये मैंने जाते समय देखा था कि $4.90 है, तो फिर मैं वापस आ गया। मैं सही, सबसे सबसे सही यहीं पर ही मिलती है ना। चलो यार बढ़िया है। और क्या ये स्टोर है आपका? ये स्टोर है सर, आपने चले अंदर देख लें। गैस बनाने आते हैं, वो देख लेते हैं साथ में। अच्छा, तो ये है स्टोर, जो कि ये भी अपना यही भाई चला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सब चीज़ें मिल रही हैं आपके स्टोर में? बहुत बढ़िया, देखने के लिए छोटा सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो ड्रिंक वगैरह सब चीज़ें मिल रही हैं, पूरा भरा हुआ है यार। तो मतलब लोग अपना पेट्रोल भी भरा रहे हैं, फिर ये भी कर लेते हैं, कैरी कर लेते हैं। और ये साथ में क्या है? ये साथ में हमारा मैकेनिक का काम है। अच्छा, मैकेनिक का भी काम है। अच्छा चलो यार ये भी बढ़िया है। तो अभी इसको ये यहाँ पे जैसे कोई कुछ खरीदता है तो आप भारी पेमेंट ले लेते हो इसकी? हाँ, वो हमारा मशीन है, मशीन पे कार पे कर लेते हैं। अच्छा, ये भी अनोखा है, मैंने देखा नहीं कि मोस्टली में तो बैठे हुए होते हैं ना, वो कैबिन होते हैं वहाँ पे। हाँ हाँ, ये छोटा ना, इसलिए हमने जहाँ पे कैबिन बनाया ऐसे हम कैरी कर लेते हैं। अच्छा चलो यार ये बड़ा ही अनोखा है, क्योंकि जब भी मैं कन्वीनियंस स्टोर में आता हूँ तो एक रजिस्टर होता है जहाँ पे कोई बैठा होता है आपसे पैसे लेता है, बट ये क्या करते हैं यहाँ से सामान लो तो भारी पेमेंट हो जाती है। कोई आ गया शायद गैस के लिए? अच्छा, आप ही पूरा संभाल रहे हैं? अच्छा है। अच्छा अच्छा, दिल्ली के हैं? तो भाई यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं, देखो
तो इंग्लिश वगैरह भाई यहाँ सीख ली या फिर इंडिया से? आती है हमें 70% तो आती है। अच्छा 70% आती है और बाकी यहाँ पे सीख, जैसे जैसे स्पेंड करेंगे तो आती जाएगी। जैसे यहाँ पे अमेरिकन एक्सेंट थोड़ा सा हार्ड होता है, है ना, अलग है जी। इतना वो यूज नहीं करते इसलिए जयमार, इनकी लैंग्वेज ईजी है। ईजी है तो भाई काम भी कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा डिस्टर्ब ना करूँ भाई को। तो ऐसे इन्होंने पेट्रोल भरा लिया है और वो पैसे देंगे। अच्छा एम्बुलेंस भी यहीं से ही डीजल लेती है क्योंकि सस्ता है। अच्छा तो इस रोड पे अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पे जरूर रुकना। इसका गैस स्टेशन का नाम क्या है? यूएस गैस स्टेशन है इसका नाम, जहाँ पे भी भाई खड़े हुए हैं। और इस पे सबसे सस्ता प्राइस है, यहाँ तक कि देखो यहाँ की जो लोकल एम्बुलेंस है ना वो भी यहीं पर ही आई है। तभी मेरी बसंती यहाँ खड़ी हुई है तो मैं भी यहीं पर भराता हूँ। और देख लो यार भाई इतने ज़्यादा बिजी हैं के लोग बैक टू बैक आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो गैस स्टेशन होते हैं ना अमेरिका के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो यहाँ देखो अभी ये वाली कार में भी भरेंगे और इसमें भी भरेंगे। टिप भी दे के जाते हैं। अच्छा टिप भी दे जाते हैं। तो कितने रुपए घंटे होता है यहाँ पे जैसे अभी आप काम करते हो? ये सर हमारा ऐसे होता है $15 फॉर आवर। हाँ तो $15 मिलते हैं भाई को घंटे के, और बाकी टिप वगैरह भी लोग देते रहते हैं। जैसे अभी भर रहे हैं तो अभी उन कार वालों ने दिया है भाई को। बस भाई को यही करना है कि खाली कोई भी आता है जैसे इंडिया में गैस स्टेशन है पूछते हैं और भर देते हैं। How you doing? I make YouTube videos. तो ये इनके दोस्त है भाई के। मैं देख रहा हूँ आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है यार। थैंक यू। तो पहले इंडिया में आप क्या करते थे? वहाँ पर काम ही करते थे बस। अच्छा फिर आपको लगा कि अब अमेरिका ही जाना है? हाँ जी। तो भाई को मैं दिखाता हूँ अपनी वैन। अभी सामान वगैरह थोड़ा सा बिखरा हुआ है जहाँ पे। भाई खोल लो, आप खोलो। इधर वो पीछे वाला हाँ ये खोल के पीछे कर दो। हाँ आ जाओ अंदर आ जाओ। तो भाई को भी मैं वैन दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे भाई मेरा किचन है। तो ये मेरा किचन है भाई, यहाँ पे ये ऐसे ऊपर आ जाता है और फिर मैं खाना बनाता हूँ यहाँ पे। और ये यहाँ पे मैं अपना धोता हूँ बर्तन वगैरह। ये मेरा कंप्यूटर टेबल है। और अभी जैसे हीटर चल रहा है अंदर, पूरी एकदम गर्मी है। यहाँ पे टॉयलेट है मेरा और इसके नीचे रखने का सामान है, हीटर वगैरह सब चीज़ें। और लाइटें वगैरह मैंने लगाई हुई हैं पूरी। यहाँ बेड है और देखो अंदर टीवी लगा हुआ है, 32 इंच का टीवी। ओके यार अभी हाँ तो अभी जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना मेरे को कहीं टेंशन ही नहीं होती। तो ये है पूरा चलता फिरता मेरा घर है। ओके, इस वजह से मैं पूरे अमेरिका कनाडा और मैक्सिको में ट्रैवल करूंगा। हार्ड वर्क करो सर आप। हैं हार्ड वर्क करो आप। ट्राई कर रहा हूँ। जैसे आप लोग जैसे मिल जाते हैं, आप जैसे भाई लोग, तो मजा आता है। अब जैसे आप मिल गए तो ऐसा मेरे को लग रहा है मैं तो इंडिया में ही खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मेरे को बहुत खुशी हुई। जैसे भाई बोल रहे हैं पिछले 4 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे और भाई को मजा भी आ रहा है। तो अभी आ गया हूँ मैं अपनी वैन में और अभी खाना वगैरह बनाना है मुझे। और मेरी कोशिश रहेगी कल के मैं न्यूयॉर्क पहुँच जाऊँ। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं अमेरिका कनाडा और मैक्सिको में 6 मंथ्स का ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मेरी डेली कोशिश रहेगी मैं नई नई लोकेशन आप लोगों को दिखाऊँ। और अभी जैसा आप लोगों ने भाई को देखा और उनसे सुना कि वो 4 महीने से यहाँ पे अमेरिका के अंदर है और गैस स्टेशन पे काम कर रहे हैं, $15 आवर मिलते हैं उनको, 1 घंटे के $15 कमाते हैं प्लस टिप्स वगैरह भी मिलती है। तो कह रहे थे कि उनका यहाँ पे आराम से गुजारा चल जाता है और उनके फ्रेंड्स वगैरह भी काफ़ी बन गए हैं जो कि गैस स्टेशन पर ना। वहाँ पे और भी बहुत सारे इंडियंस हैं जिनसे मेरी बात हुई, बट वो थोड़ा कैमरा शाय थे और काफ़ी मैकेनिक थे वहाँ पे, जो कपड़े वगैरह थोड़े गंदे थे। तो वो कह रहे थे कि जब हम लोग नहा धो के आएंगे तब हम लोग कैमरे के सामने आएंगे, और मैं समझ सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने उनकी वीडियोस नहीं बनाई उनके साथ, बट और भी लोग
रास्ते जो कह रहे थे कि हम लोगों को यहाँ पे 10 साल से ज्यादा हो गए हैं काम करते हुए और काफी हमें मतलब अच्छे पैसे कमा लेते हैं, यहाँ पे भी हमारा गुजारा चल जाता है और हम लोग इंडिया में भी भेज देते हैं। तो आज का जो मेरा दिन था मतलब पूरा यार सुबह से बारिश वगैरह हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों को मैं एक नॉर्मल लाइफ दिखा देता हूँ कि इंडियंस यहाँ पे और किस तरीके का काम करते हैं। तो अगर इस तरीके की वीडियो आप लोगों को पसंद है तो कमेंट जरूर करना, मैं और भी अगर मेरे को इंडियंस मिलते तो उनके साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करे बिना मत जाना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, फिर जल्द मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।